हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज वैज विद यू। और पहला मैच बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है, यूएसए वर्सेस कनाडा। क्यों जबरदस्त मैच हुआ है? बिकॉज इस पता लग गया है कि जब कनाडा ने 195 किया, यूएसए ने ऑलमोस्ट 17.5 ओवर्स में वो चेस कर लिया बड़े आराम से। और इससे ये भी पता लगा कि इस T20 वर्ल्ड कप में आपका एवरेज स्कोर 160-170 यूएसए में नहीं होगा, इट हैज़ टू बी 190-200। और ये सब टीमों के लिए एक वेकअप कॉल है, सबके प्लान अभी चेंज होंगे बिकॉज पिच पे नया बॉल ने सीन किया। थोड़ा डे मैच है, मोस्टली 10:30 अमेरिकन टाइम स्टार्ट है। और जब चेस करने आए यूएसए, ऑफकोर्स उनके दो तीन प्लेयर जो हैं, एक जो कोरी है एंडरसन जो न्यूजीलैंड के, हैव क्वालिफाइड टू प्ले फॉर यूएसए। देन दे हैव दिस एरन गाय, वो है वेस्ट इंडियन, यूएसए बॉर्न बट बॉर्न काइंड ऑफ ब्रेड इन, बड़ा हुआ है वेस्ट इंडीज में, बारबाडोस नोवा उसने क्रिकेट खेली है। उसे 94 किया सिर्फ 40 गेंदों पर। साथ है उसके, आई थिंक हॉस उसके नाम स्पेल आप ऐसे प्रोनाउंस करते हो, जी से शुरू होता है बट ऑब्वियसली डच नेम है। और वही बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है, वो साउथ अफ्रीकन इफ आई रिमेंबर करेक्टली, या ऑस्ट्रेलियन है। मैंने उसको आयल T20 में एक इनिंग देखी थी, उसने एक मैच में कोई 70 किया था, मुझे तक पता लग गया था प्लेयर बड़ा अच्छा है। सो या वेरी गुड विन बाय यूएसए, ठीक ठाक सपोर्ट थी डेलस ने उनकी, दैट्स गुड टू सी। T20 वर्ल्ड कप की अपनी एक्साइटमेंट है। और ओवर एंड ऑल 10 out of 10 नंबर्स टू यूएसए, 17.4 ओवर वो मैच जीते हैं और 3 विकेटें सिर्फ गिरी थी। और 195 चेस करना इज अ बिग टोटल। शुरू में वो स्ट्रगल कर रहे थे, 40 तो उनके 3 out 2 out हो गए थे, बट एरन जोन्स ने क्या जबरदस्त इनिंग खेली। आते थे 10-11 छक्के भी मारे अपनी इनिंग में, उससे तो गेम का पासा पलट गया। तो या गुड स्टार्ट फॉर यूएसए, नॉट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर कैनेडा, बट परफेक्ट आई थिंक स्टार्ट फॉर दिस T20 World Cup 2024. Matchup of the day. अब मुश्किल है, पापा न्यू गिनी का मैच है वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज इज वन ऑफ द फेवरेट्स टू क्वालिफाई इन दिस T20 वर्ल्ड कप फॉर द सेमीफाइनल्स, बिकॉज बड़ी डेंजरस साइड है, सिंगल हैंडेडली मैच विनर्स है लाइक पुरान का कप्तान पावल, और ऑफकोर्स दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर आंद्रे रसल, जो बॉलिंग ले लो, बैटिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, गेम चेंज कर देता है। और उनका मैच है पापा न्यू गिनी से। वो ओवरऑल देखा जाए तो जो टीम की जो होती है लिस्टिंग होती है 1-2 या रैंकिंग होती है, वो 20 पे है वर्ल्ड में T20 में। दे हैव क्वालिफाइड, सो वेल डन पापा न्यू गिनी। वेस्ट इंडीज के मैच से मेरा नहीं ख्याल कोई मैचअप इनका हो सकता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज इज माइल्स अहेड ऑफ पापा न्यू गिनी। इट विल बी अ मैसिव एक्सपीरियंस फॉर पापा न्यू गिनी टू कम एंड प्ले इन दिस वर्ल्ड कप। और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है जो आपने क्राउड देखा पहले मैच में, कि ये गेम ग्लोबल इम्पैक्ट डाल रही है क्रिकेट की। अमेरिका में कभी सोचा नहीं था कि क्रिकेट होगी और वो भी वर्ल्ड कप होगा। सो वेल डन एवरीवन इन्वॉल्वड। और वेस्ट इंडीज माइल्स अहेड इन दिस गेम अगेंस्ट पापा न्यू गिनी। इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच। अब मेरा जो फेवरेट प्लेयर है ना आजकल के क्रिकेट में, स्पेशली T20 फॉर्मेट में, मिडल ऑर्डर में बड़ी मुश्किल पोजीशन होती है। वो देखते हैं वो निकोलस पुरान कहाँ पे बैटिंग करता है, ऊपर भेजते हैं कि 4 पे आता है, फिनिशर आता है, बट जहाँ भी आता है वो मैच का पांसा पकड़ लेता है। अगर उसके काबू आ गए ये पापा न्यू गिनी तो कुछ नहीं बना, सॉल्व भी कर दिए। दैट्स माय प्लेयर। टिप ऑफ द डे, आई थिंक आई कैन ओनली गिव टिप टू पापा न्यू गिनी। It'll be a huge experience for them. It's well done you guys qualified. Ab wahan jao, match khelo mighty West Indies ke khilaf, but go have fun. Most important, you guys deserve to be in this World Cup. Haar jeet hoti rehti hai, you're an inexperienced side. Go out, learn from your mistakes and have lots of fun. बिल्कुल, आप लोगों से मुलाकात रहेगी पूरे वर्ल्ड कप में, एवरी गेम में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर भेजें, मुझे भेजें, यूफूड को भेजें, उनकी वेबसाइट्स पे जाएं और आपको आंसर मिलेगा। और सेकेंडली एक चीज़ याद रखिए, यूफोन 4G डेटा पॉकेट।